हे hey दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एनएसके फंडा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर सोनू शर्मा की। मिस्टर सोनू शर्मा के बारे में मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आप और मैं बहुत अच्छी तरह उन्हें जानते हैं। वो एक बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं। तो उनके बारे में मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताऊँगा जो कि आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्किप मत करना। अगर वीडियो स्किप करोगे तो जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ शायद वो मिस हो जाए। पहली बात तो ये दोस्तों कि हमारे अंदर एक आदत है हर इंसान के अंदर कि हम कहीं भी जॉब करते हैं तो हम उतना ही काम करते हैं जितनी हमें सैलरी मिलती है। हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे बॉस को या हमारी कंपनी को इस हमारे काम से घाटा होगा या मुनाफा। हाँ, इतना ज़रूर जानते हैं अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमारी कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा, अगर हम कम मेहनत करेंगे तो हमारी कंपनी को ना फ़ायदा होगा ना ही घाटा। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उतना ही काम करते हैं जितनी उन्हें सैलरी मिलती है। लेकिन दोस्तों, ये सबसे गलत बात है। क्यों? अमीर तो हर कोई बनना चाहेगा, ज़्यादा पैसा कमाना चाहेगा और ज़्यादा खुश रहना चाहता है। लेकिन हमें पैसा कमाने से और अमीर बनने से पहले हमें दूसरे को पैसा कमाना चाहिए। मैं सबसे बड़ी चीज़ ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मेरे को तो भाई जितनी सैलरी मिलती है मैं तो उतना ही काम करता हूँ और उतना ही काम करूँगा, इससे ज़्यादा मुझे सैलरी ना मिलती है और कौन सा बॉस देख रहा है और कौन सा वो मेरी सैलरी बढ़ा देंगे, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आप मेहनत करोगे ना, अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत बॉस नहीं देख रहा, लेकिन आपकी जो मेहनत है ना वो खुद जवाब देगी कि हाँ अगले बंदे ने मेहनत करी है। तो इस चीज़ को जब आप रियलाइज़ करोगे ना अपनी लाइफ में तो आपको खुद ही फील होगा कि हाँ मैं सही कर रहा था। उससे आपके ना आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली सक्सेस होते जाओगे। आप ये मत सोचो कि मुझे तो 5,000 मिल रहे हैं या मुझे 15,000 मिल रहे हैं या मुझे 85,000 रुपये मिल रहे हैं, मैं तो सिर्फ उतना ही काम करूँगा। दोस्तों, अगर आप उतना काम करोगे ना तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप उसी कैटेगरी के बंदे बन के रह जाओगे जितना आप काम कर रहे हो। मैं इसलिए बातें आपको बता रहा हूँ कि जो मिस्टर सोनू शर्मा है वो भी एक जॉब करते हैं, वो कोई कंपनी के मालिक नहीं है, वो एक कंपनी में जॉब करते हैं और उनका काम ये है ब्रीफिंग करना। जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वहाँ पर जो वर्क कर रहे होते हैं, उनको समझाना, उनको मोटिवेट करना, उनको काम करने देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो उनको मैं कई बार जो उनकी जब मैंने वीडियोज़ देखी हैं तो मैंने ये चीज़ नोट करी है कि बताओ जब ये बंदा दूसरे के बारे में इतना अच्छा सोच रहा है तो इसके बारे में ऑटोमेटिकली अच्छा हो रहा है। जैसे मैं उनका फ़ैन हूँ, आप भी उनके फ़ैन हो और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनके फ़ैन हैं, तो वो फ़ैन इसलिए बने हैं कि उन्होंने अपनी बातों के अंदर कहीं ना कहीं अपनी कंपनी का कहीं ना कहीं क्या वो अपनी कंपनी का ही फ़ायदा कर रहे हैं, मतलब किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। तो वो मोटिवेट जो होता है तो वो सोनू शर्मा को फ़ायदा नहीं हो रहा है उस चीज़ का कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। अब सोनू शर्मा जो है इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं आपको हर तरीके, एक वो वैसी बातें आपको नहीं बताएंगे जैसे कि बहुत से मोटिवेशन जो स्पीकर्स होते हैं वो बताते हैं, तो वो नहीं बताएंगे, लेकिन वो जो भी बात बताते हैं ना वो बहुत अच्छी बात बताते हैं। तो उनसे सबसे बड़ी चीज़ सीखने की यही है कि हम उनसे ये सीखें कि दूसरों के प्रति हमें ईमानदार और वफादार और मेहनती कैसे होना चाहिए। और अगर हम ईमानदार वफादार बनेंगे दोस्तों तो अपने आप ही सक्सेस हो जाएंगे। तो सोनू शर्मा को मैं सलूट करता हूँ इस चीज़ के लिए कि उनके बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो हर किसी के जीवन में काम आते हैं। अगर आप मूड नहीं है ना आपका काम करने का तो एक बार सोनू शर्मा सर की वीडियो देखो, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ गलत हो और कहाँ सही हो। वो मुहावरों में भी समझाते हैं, कहानियों में भी समझाते हैं और वो एक हमारी तुम्हारी जो लैंग्वेज है ना उसके अंदर भी समझाते हैं। तो उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत यूनिक है और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों को भी बहुत से लोगों को अच्छे लगते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उनकी वीडियो देखो और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी पर भी वीडियो बनाई हुई है और मैं ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े मतलब यूट्यूबर हैं या जो अच्छे लोग हैं मैं उनके ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको किसके बारे में पूछना है, मैं उसकी वीडियो में आपको बताऊँगा। धन्यवाद।